पटना में बहुत ज़्यादा सेफ अब फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डे बाई डे हर दिन कुछ ना कुछ कांड होते जा रहा है। पटना क्या पूरा इंडिया में कहीं कोई सेफ फील नहीं कर रहा आज। टॉन्ट मारना और फिर कमेंट्स करना, अंकल्स टाइप के जो होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा मैटर करते हैं, ये सब मतलब हरकत करते हैं। सेफ फील करते हैं, बट किसी किसी का नज़रिया अच्छा नहीं होता है, बुरे नज़र से देखते हैं। एक्शंस हो इस पे, पुलिस भी है, बट हम फिर भी सेफ फील नहीं करते, तो कुछ ऐसा करो जिससे हम सेफ फील करें। लड़कों को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियां कोई भी हो, वो आपके घर की माँ बहन हो या कोई भी हो, रिस्पेक्ट करना सीखे बस। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देश भर में बढ़ रहे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते वारदातों के बाद पटना की लड़कियाँ कितनी सेफ फील करती है, आइए जानते हैं उनसे। रश्मि, पटना में आप कितना सेफ फील करते हो? एक्चुअली पटना में उतना सेफ फील करना नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ऑटो में जाओ, आप नहीं कहीं भी निकलो, कुछ भी करो, नहीं है। कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है? बेसिकली बहुत सारा, अगर आप ऑटो में जा रहे हो, कोई भी आपका इवेंट मेरे साथ हो रखा है, आपको वीडियो बनाने लगे, कुछ करने लगे, तो मैंने खुद ने उसको थप्पड़ मारा है ऑटो से रोक के, उसे बाहर फेंक दिया है। okay. उसे पता नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो किसी तरह का कंप्लेन या कुछ नहीं किया? नहीं, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि कंप्लेन करना पड़े, लेकिन मैंने खुद से हैंडल किया है, क्योंकि हम लोग कंप्लेन इसलिए भी नहीं करते हैं कि आपके पेरेंट्स भी फिर आपको निकलने नहीं देंगे, डेली आपको निकलना ही, आपको सब कुछ करना है, तो आपको हैंडल करना पड़ता है खुद से। सरकार और पटना पुलिस को कुछ मैसेज देना चाहूँगे? एक्चुअली पुलिस को मैसेज खास कर कि रोड सेफ होना चाहिए, खासकर ऑटो वाले भी ऐसे चलाते हैं कि आपको बिल्कुल सेफ फील नहीं होता है, तो उनको कुछ ना कुछ मैसेज लेने चाहिए फॉर श्योर। और लड़कों के लिए कुछ मैसेज? लड़कों के लिए उनको लिमिट में रहना चाहिए, उनकी भी बहन है, उनकी भी माँ है। श्योर। आपका नाम? सोनम। सोना, आप कितना सेफ फील करती हो पटना में? यहाँ का रोड्स ठीक है, चलो यहाँ पे क्राउड रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट गली वगैरह में बहुत ज़्यादा देखता है बॉयज वगैरह। और किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना? टॉन्ट मारना और फिर कमेंट्स करना, तो थोड़ा बहुत होता है कि मतलब हम लोग मतलब थोड़ा सा जो है कुछ करते हैं वगैरह, रिप्लाई कर देते हैं, पर जो जो रिप्लाई नहीं करते उनको मतलब रिप्लाई करने में नहीं होता है, उनको फेस करना पड़ जाता है, और फिर कोई हेल्प करने भी नहीं आता है, गली वगैरह में कोई क्राउड नहीं रहता है इस वजह से। तो पटना पुलिस या सरकार को कुछ मैसेज देना चाहोगे इसमें? हाँ, थोड़ा कम से कम मतलब इसके अगेंस्ट जो है एक्ट करे कि रेप वगैरह बंद हो जाए। और लड़कों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, कम से कम अपने माँ बहन के तरफ देख ले कि दूसरे को ना मतलब छेड़े, बहन समझ के कम से कम। आपका नाम? प्रियंका। मैम, आप कितना सेफ फील करती हैं पटना में? बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये कि रूल होना चाहिए कि जो भी अगर कुछ ऐसा आप गलत करते हैं तो उसे मतलब एक्शन लिया जाए। ओके, तो कुछ पुलिस या सरकार को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगी, ये देना चाहूँगी कि जो भी ऐसा अगर होता है तो क्विक एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो डिले वाला जो इशू होता है वो नहीं होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली दम उसको पनिशमेंट देना चाहिए। बिल्कुल। ओके, और लड़कों के लिए कुछ मैसेज? हाँ बिल्कुल, इनको ये भी सोचना है कि उनके घर में भी सिस्टर है, इस बात को बिल्कुल ये ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? नेहा। नेहा, आप पटना में कितना सेफ फील करते हो? सेफ फील होता है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है, ऑटो में जाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, डर लगता है कि कोई क्या करेगा नहीं करेगा, बट खुद पे थॉट्स रहते हैं हमेशा रहता है, बट यूजुअली फ़ोन रहता है हम लोगों के पास, तो बहुत किसी को भी फ़ोन करके रहते हैं साथ में ही, बट अनसिक्योर फील होता है। और भी किस तरह की प्रॉब्लम होती है रोड पर? हाँ, चलने में कोई इंसान आया आपको टच करके चला गया, बहुत सारा बैड फीलिंग्स होता है, वो भी सब बैड हो जाता है, और भी बहुत कुछ है। तो लड़कों के लिए कुछ मैसेज है? लड़कों के लिए तो वही है कि अपना नज़र सुधारे, जैसे कि अपने भाई बहन को आप प्यार करते हो, इज्जत करते हो, उसी तरह किसी और की भी भाई बहन को इज्जत करो, जैसे कि आपका भी भाई बहन इसी रोड से चलता है, हवा में उड़ के नहीं चलता है, तो आप प्लीज़ अपने भाई बहन का। और सरकार और पुलिस के लिए कुछ मैसेज? सरकार को भी देखना चाहिए लड़की लोग का, सुरक्षा करना चाहिए, बहुत सारा नियम लागू करना चाहिए कि वो लोग भी सेफ रहें। सोलोनी, आप पटना में कितना सेफ फील करते हैं? पटना में तो सही है, यहाँ उतना भी प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अगर अंधेरा होने के बाद थोड़ा सा अनसेफ होता है, क्योंकि बाहर ऐसे स्टेट में सब सुन के थोड़ा यहाँ भी लगता है। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? ऑटो में अगर हम अकेले कहीं जा रहे हैं तो उस टाइम अगर ऑटो में कोई नहीं हो, खाली हो, तो डर लगता है। लड़कों के लिए कुछ मैसेज? हाँ, मैसेज यही है कि आप किसी को ऐसे गलत नज़र से नहीं देखो, आपके घर में भी बहनें हैं
और सबके घर में वुमेंस हैं, सो रिस्पेक्ट देम। एंड ऐसा आप किसी के बारे में नहीं सोचो, करने से पहले हज़ार बार सोचो, और ऐसा कोई करता है तो हम गवर्नमेंट को ये बोलना चाहेंगे कि आप एक स्ट्रिक्ट रूल इसके लिए बनाओ ताकि दोबारा ऐसा करने से लोग सोचने से भी डरें। आपका नाम? सिमरन राज। सिमरन, आप पटना में कितना सेफ फील करते हो? जब भी आप बाहर जाते हो कोचिंग, स्कूल या जो भी, तो आप कितना सेफ फील करते हो? पटना में तो बिल्कुल भी सेफ्टी मतलब नहीं है, क्योंकि आप अब कहीं भी जाइएगा तो कोई किसी के साथ कुछ भी होता है तो लोग उल्टा लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं, उन्हीं के कैरेक्टर पे पॉइंट करते हैं। अगर फुल कपड़े भी पहन रखे हैं, कुर्ती भी पहन रखी है, तो भी मतलब लड़की को ही ब्लेम किया जाएगा कि उसने क्या पहना है नहीं पहना है। तो फिर यहाँ तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं, और पुलिस कपड़ों को लेकर भी ब्लेम किया जाता है, बहुत ज़्यादा इशूज़ होता है। और कोई मतलब अगर कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर लड़कियों पे ही सारा बात आ जाता है, तो यहाँ पे तो कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं करना चाहता। पुलिस कंप्लेन भी नहीं? हाँ। पुलिस और सरकार के लिए क्या मैसेज है आपके लिए? कि लड़कियों की सेफ्टी पे ध्यान दें और थोड़ा सेफ्टी बढ़ाएं, और लोगों को और थोड़ा लड़कों को कम से कम, लड़कों के लिए क्या मैसेज है? मम्मी पापा को सिखाना चाहिए लड़कों को रिस्पेक्ट करना अपनी बेटियों की। आपका नाम? शनाया। शनाया, आप पटना में कितना सेफ फील करते हो? अभी तो रोज़ ही मैं अकेले आना जाना कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मेंटालिटी उतनी तरह से डेवलप नहीं है लोगों की, तो हम नहीं कह सकते कि अभी भी हम लोग पूरी तरह से सेफ हैं। और क्योंकि ऑटो में हम लोग जब आते जाते हैं और कितने टाइप के लोगों के साथ बैठते हैं, तो जेंट्स वगैरह के साथ बैठते हैं तो कंफर्टेबल फील नहीं होता। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बाकी जगह? वो मतलब जैसे काइंड ऑफ टच अनकम्फर्टेबल होता है, वो सब टाइप का। तो पुलिस और सरकार को क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं यही बोलूँगी कि सबको अवेयर रहना चाहिए और उन लोगों को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, और अगर लड़की उस चीज़ की कंप्लेन करे तो वो तुरंत उस चीज़ का रिफ्लेक्स एक्शन हो, ना कि बहुत टाइम लगे और डिले हो जाए, तो उस वजह से लड़कियाँ भी कंप्लेन नहीं करती है फिर, जब उनको पता रहता है कि कोई करेगा ही नहीं कुछ तो। अच्छा। लड़कों के लिए क्या मैसेज है? लड़कों के लिए यही मैसेज रहेगा मेरे लिए कि अगर मतलब देखे तो इज्जत से देखे, बेगैरती से ना देखे। आपका नाम? अनीशा। अनीशा, पटना में आप सेफ फील करते हो? हाँ मतलब कभी कभी, बट जनरल रात को आना जाना जब हम लोग करते हैं शाम को 5-6 बजे के बाद, तब ज़्यादा अनसेफ फील होता है। ज़्यादा अनसेफ मतलब किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम इसी टाइप की कि कुछ बदतमीजी हो जाती है, कुछ बैड टचिंग हो जाती है, ऐसा कुछ जो। okay. तो इसके लिए सरकार और पुलिस प्रशासन को आपको क्या मैसेज, कुछ मैसेज है? मैसेज है जैसे अगर ट्रैफिक रूल्स पे आप इतना सब कुछ फॉलो करा रहे हैं, इतना फाइन लगवा रहे हैं, तो जो गर्ल सेफ्टी है उसके ऊपर आप क्यों रूल्स बना देने से कुछ नहीं होता। अभी अभी केस हुआ है यहाँ पे, एक्शन लेना पड़ता है, तो मतलब एक्शंस हो इस पे, पुलिस भी है बट हम फिर भी सेफ फील नहीं करते, तो कुछ ऐसा करो जिससे हम सेफ फील करें। okay. और लड़कों के लिए कुछ मैसेज? लड़कों के लिए कि यही, आपकी भी बहन है, आपकी भी मम्मा है, तो रिस्पेक्ट करो सबको, इस तरीके से किसी को टच या स्टेयर मत करो कि वो बंदी अनकंफर्टेबल फील करे, क्योंकि आपकी भी बहन को कोई सेम तरीके से देखेगा। मैम ज्योति कुमारी हुआ। ज्योति, आप पटना में कितना सेफ फील करती हो? हम पटना में बहुत ज़्यादा सेफ अब फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डे बाई डे हर दिन कुछ ना कुछ कांड होते जा रहा है, जिसके वजह से पटना में अब आजकल रात इवन ऐसा लगता है कि 6-7 बजे के बाद हम लोग घर से निकलना बहुत मुश्किल समझते हैं। ये सेफ हमारे लिए अब नहीं है, लेकिन इस मैटर पे हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार और जो भी हमारे प्रशासन व्यवस्था है इसको और सख्त बनाना चाहिए, और कानूनी व्यवस्था को भी सुधार करना चाहिए, जिसके वजह से लड़कियाँ यहाँ पर सेफ फील करें, कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, वो सेफ फील करें। लड़कों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? लड़कों को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियां कोई भी हो, वो आपके घर की माँ बहन हो या कोई भी हो, रिस्पेक्ट करना सीखे बस, वो खुद को समझेंगे, रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, माँ बहन किसी की भी हो तो शायद क्राइम नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से उनको हम यही मैसेज करना चाहेंगे कि सबको रिस्पेक्ट दें और सबको एक जैसा समझें। आपका नाम? मनाली। मनाली, मनाली, आप पटना में कितना सेफ फील करते हैं? पटना में तो हर जगह सेफ नहीं है, ऑटो बस रिक्शा ये सब पे कहीं पे हम लोग सेफ नहीं है, हर जगह बस यही सब छेड़छाड़ बस रहता है। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? आजकल तो लड़के को हम लोग छोड़ ही देते हैं, जो यंग लोग होते हैं 80 वर्ष 90 वर्ष ये लोग हैं, हम लोग ऑटो पे बैठते हैं ऐसे पूरे एकदम जानबूझ के यूँ टच हो जाते हैं वो लोग, लड़के से ज़्यादा आजकल यंग लोग के ये सब ज़्यादा वो रहता है मैटर।
अंकल से होते हैं। हाँ अंकल से टाइप के जो होते हैं ना वो लोग ज़्यादा मैटर करते हैं ये सब मतलब हरकत करते हैं। तो इन अंकल और लड़कों के लिए आपके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज तो यही है जैसे आपके घर में बहू बेटियां हैं वैसे ही बाहर की नज़र में भी देखा करो। लड़के लोग भी अपनी बहन को तो घर में सेफ रखना चाहते पर दूसरी की बहन लोग पे आप लोग नज़र डालते हो। तो मैं तुम्हें यही कहूँगी प्लीज़ घर में भी आपकी माँ बेटियां हैं बाहर में भी आपकी माँ बेटियां ही हैं तो उन्हीं की नज़र से आप लोग देखा करो। आपका नाम? अमृता। अमृता पटना में कितना सेफ फील करती हैं? सेफ तो अभी के न्यूज़ से ही पता चलता है कि कौन कितना फील कर रहा है। अच्छा लड़की लोग के लिए तो पटना अभी बिल्कुल ख़राब चल रहा है माहौल यहाँ का। जैसे क्या कैसे बता सकते? अभी यहाँ पे हुआ है रेप हुआ है और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है कॉलेज के पास भी देखा जाता है मगध महिला कॉलेज के पास फिर पटना वुमेंस कॉलेज के पास। तो हाँ तो पुलिस प्रशासन और सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको तो समझना चाहिए कि कुछ मतलब गर्ल्स कॉलेज के लिए कुछ करे कॉलेज के लिए करे पूरा हम लोग पटना के लिए करे। हाँ और लड़कों के लिए कुछ मैसेज? लड़कों के लिए यही है कि वो थोड़ा समझे कि बहन के जैसा समझे अपनी माँ के जैसा समझे लड़कियों से ज़्यादा ऐसे लगाव ना करे ये ना करे। आपका नाम? हंसिका दयाल। हंसिका जी आप पटना में कितना सेफ फील करती हैं? देखिए हम बता देना चाहते हैं कि मतलब पटना में अभी जो मतलब लोग हैं जिस जो इस तरह का काम कर रहे हैं रेप इस टाइप तो उन लोग को छोड़ के बाकी यहाँ पे नीतीश सरकार है तो नीतीश कुमार की सरकार में हम लोग बहुत सेफ हैं मतलब पहले के कंपेरिजन में अभी सेफ हैं लेकिन फिर भी इस तरह का हो रहा है उस पर विचार करने चाहिए और ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। लड़कों के लिए कुछ मैसेज? लड़कों के लिए सोचना चाहिए कि आप क्या हैं नहीं है मतलब इस तरह का हैवानियत अपने मन से निकालना चाहिए। अब इस तरह का अब जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं उसको डायरेक्ट सज़ा मिलना चाहिए डायरेक्ट फांसी की सज़ा मिल जानी चाहिए अगर एक दो भी ऐसा होगा तब जाके सीमित हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि पटना की लड़कियां कितना सेफ फील करती है अगर आपका भी कोई राय विचार है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें। पटना में बहुत ज़्यादा सेफ अब फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि डे बाय डे हर दिन कुछ ना कुछ कांड होते जा रहा है। पटना क्या पूरा इंडिया में कहीं कोई सेफ फील नहीं कर रहा। टॉन्ट मारना और फिर कमेंट्स करना अंकल से टाइप के जो होते हैं ना वो लोग ज़्यादा मैटर करते हैं ये सब मतलब हरकत करते हैं। सेफ फील करते हैं बट किसी का नज़रिया अच्छा नहीं होता है बुरे नज़र से देखते हैं। एक्शंस हो इस पर पुलिस भी है बट हम फिर भी सेफ फील नहीं करते तो कुछ ऐसा करो जिससे हम सेफ फील करें। लड़कों को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि लड़कियां कोई भी हो वो आपके घर की माँ बहन हो या कोई भी हो रिस्पेक्ट करना सीखे बस।